हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट न्यूज़ है, भारत ने दिया कनाडा की गद्दारी का जवाब। देखते रह गए सब, कनाडा खालिस्तान। रेफरेंडम तो अगली चाहिए। बार हम जहां पर भी ये वर्ड आएगा सिर्फ के बोलेंगे, कनाडा के रेफरेंडम, कनाडा के क्योंकि होना ऐसी कोई चाहिए। चीज है ही नहीं। हाँ, खालिस्तान हमें यूज ही नहीं करना चाहिए। वर्ड, देयर इज नो नथिंग लाइक खालिस्तान इन द वर्ल्ड। और सब लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कनाडा की पॉपुलेशन जो है वो एनसीआर की पॉपुलेशन के इक्वल है, मतलब दिल्ली और उसके सराउंडिंग एरियाज हैं उसके इक्वल पॉपुलेशन है। इस बात को याद रखिए कि कनाडा की पॉपुलेशन उतनी है जितनी हमारी एक सिटी की पॉपुलेशन है, तो वो उनके बस करने से लैंड इतनी ज्यादा है और पूरी ठंडा एरिया है, बंजर, मतलब यूएसए के बॉर्डर में सारी आबादी है और सिर्फ हमारी जितनी एक एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन जितना है हमारा, उतनी उनकी पूरी कंट्री की आबादी है। देख लो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर अरे आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए जहां एक तरफ भारत के प्रयासों की दुनिया भर में तारीफ की जा रही है, तो वहीं कुछ देशों में भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी चलाया जा रहा है। जहां एक तरफ ब्रिटेन के लेस्टर शहर में पाकिस्तानी मुसलमान भारतीय लोगों को निशाना बना रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में भी भारत विरोधी गतिविधियां चरम पर पहुंच गई हैं। भारत विरोधी लोगों ने कनाडा में 18 सितंबर के दिन खालिस्तान को लेकर एक जनमत संग्रह करा दिया। ये जनमत संग्रह ओंटारियो के ब्रम्पटन शहर में कराया गया। इस जनमत संग्रह के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। इस खालिस्तानी जनमत संग्रह में पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जनमत संग्रह से ठीक पहले कनाडा में पाकिस्तान के डिप्लोमेट जाबाज खान इलाके के दो खालिस्तानी समर्थक गुरुद्वारों में गुप्त बैठक करने के लिए पहुंचे थे। अब इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इन सभी के बीच अब भारत का भी एक बड़ा बयान आया है। भारत ने कनाडा में हुए इस तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। भारत ने इसे फर्जी और बेहद आपत्तिजनक बताया है। भारत ने जोर देते हुए कहा है कि एक मित्र देश में कट्टरपंथी और चरमपंथी तत्वों को राजनीति से प्रेरित ऐसी गतिविधि की इजाजत दी गई। भारत ने यह मामला कनाडा प्रशासन के समक्ष उठाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया है कि कनाडा में हेट क्राइम बढ़ रहे हैं और भारतीय लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। भारतीय छात्रों को भी दूतावास की वेबसाइट या मदर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सलाह दी गई है। बहरहाल अब कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत को सूचित किया है कि वो इस खालिस्तानी जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देती है। कनाडा की सरकार ने कहा कि वो भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करती है, लेकिन सवाल ये है कि कनाडा ने इस जनमत संग्रह को रोकने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया। कनाडा से ही बैठकर भारत के खिलाफ खालिस्तानी एजेंडा चलाया जाता है, इस पर भी कनाडा की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। बड़े बड़े गैंगस्टर कनाडा में बैठकर भारत में अपराधों को अंजाम देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कनाडा की सरकार पर आरोप लगता है कि वोट बैंक की खातिर उसने कट्टरपंथी सिख समुदाय के बीच भारत विरोधी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। शॉकिंग वीडियो जहां पे दिखाया कितने लोग इकट्ठे हुए हुए और झंडे लेके, देखो इतनी हिम्मत हो गई कि आप बाहर में, बाहर कंट्री में ऐसे झंडे लेके खड़े हो गए कि, और वो भी इंडिया से रिलेटेड, जहां जहां पे तुम कोशिश कर रहे हो कि इंडिया का कोई पार्ट हम कब्जा लें, और बाहर की कंट्री में करो नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, और उन्हें कहना चाहिए कि यू नीड टू कैच देम, यू नीड टू डिपोर्ट देम, मतलब तुम उनको पकड़ो, या तो जेल करो या उनको वापस भेजो। अगर तुम्हारी कंट्री के सिटीजन नहीं है तो उन्हें वापस भेजो, फिर हम एक्शन लेंगे। देखिए, होता यह है कि हर कंट्री में राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है, राइट? हर कंट्री में राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। इंडिया में भी है,
यूएस में भी है, कनाडा में भी है, जो भी पीसफुल जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी है उसमें राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, पर इस टाइप का प्रोटेस्ट अलाउड है, इलीगल नहीं है। मगर उस कंट्री में अगर आप ये कहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट है मगर वो इंसाइट कर रहा है वायलेंस को, तब आप मना कर सकते हैं, राइट? पहली बात तो ये है। तो कुछ लॉज हैं, मगर ये सारे काम जो है इस तरीके से नहीं होते, वो होते हैं कि आपको इनमें से रूट देखना पड़ेगा, वो होगा एक या दो बंदे, एक या दो बंदे जो ये सब कर रहे हैं, आपको उस पे जाना है, उन दो बंदों को कंट्रोल करना है और सीधा करना है। कहते पाकिस्तान के वो गया, अगर और इन्होंने कुछ तरीके से बताया कि जो पाकिस्तान के बंदे हैं वो इसके पीछे हैं, वो फंड कर रहे हैं। अगर आपको इतना पता लग गया पब्लिक में, तो रॉ को तो बहुत पता होगा, तो रॉ को अपना कार्य करना चाहिए, जैसे करते हैं पूरी दुनिया की पूरी स्पाई एजेंसी जो कार्य करती है, वैसे आप भी करिए। और जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, कनाडा तो बहुत छोटी इकोनॉमी होगा आपके सामने, और कनाडा को अल्टीमेटली जब ये दिखेगा, शायद अभी नजर नहीं आ रहा, दिखेगा कि आप इतनी बड़ी कंट्री इंडिया से अगर ऐसे करेंगे तो आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, आपको ट्रेड में प्रॉब्लम आएगी, हो रहे हैं वही होंगे, ट्रेड में प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे ख्याल से रॉ को ज्यादा इसमें इंटरेस्ट शो करना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और अपनी कार्रवाइयां करनी चाहिए, जो हर स्पाई एजेंसी दूसरी कंट्रीज में करती है। ये मैं कोई ऐसी अजीब सी बात नहीं बता रहा, हर स्पाई एजेंसी का गोल यही है, वो ऐसे कार्य करती है कि इन न्यूज से पहले जो ना हो जाता है, जिससे ऐसी न्यूज ही ना हो। नहीं, पर मुझे इतना शॉकिंग लग रहा है कि कभी आपने सुना है कि अपनी कंट्री में तो तुम कर नहीं रहे, कहीं बाहर की कंट्री में जाके तुम इस टाइप के काम करो, कभी किसी और कंट्री के साथ देखा है कि वो वहां का प्रोटेस्ट यहाँ कहीं और जाके कर रहे हो? तो पहली बार सुना। देखिए, एक या दो बंदे होते हैं किसी आइडियोलॉजी के, उनको कोई पहले से प्रॉब्लम होती है, राइट? मतलब कोई मान लीजिए भारत में था, उसके साथ कोई एट्रोसिटी हो गई, किसी ने कुछ कर दिया, उसके मन में आ गया, उसको अपना पॉलिटिकल गेन चाहिए, भैया मैं बना, कोई ऐसा बंदा होता है जिसमें ये थॉट होता है, और वो औरों को ब्रेन वॉश करता चलता है इन सब चीजों के लिए। पाकिस्तान तो इन्वॉल्व है, कनाडा बोलेगा कि भाई हम राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, उनका वोट बैंक का भी प्रॉब्लम है कि भाई उनको इनसे काफी वोट भी मिलते हैं, वो अपना वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कर रहे हैं। इंटरनली ये सब कार्य जो है स्पाई एजेंसी से रिजोल्व होते हैं, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दिस इज गेटिंग टू सीरियस। अगर लाइटली लोगे तो अगर वो और बढ़ते जा रहे हैं, पहले इतने सालों में देखो, पहले इस टाइप का नहीं होता था, अब वो बढ़ते जा रहे हैं, एक कदम आगे जाके वो लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, तो सम एक्शन हैज टू बी टेकन। अगर कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं कर रही तो इंडिया को मतलब कुछ करने को, कैनेडियन गवर्नमेंट फेस पे हर को बोलेगा भैया हमसे, जैसे मिस्टर ट्रूडो ने कहा है कि हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम आपके फ्रेंड हैं, हमें ट्रेड इंक्रीज करना है, इसे करना, राइट? तो मगर अल्टीमेटली जहां तक ये सारी बातें हैं, गवर्नमेंट भी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए मना नहीं कर सकती। कनाडा के अगेंस्ट कोई करना चाहे और वो इंडिया में बैठ के इस टाइप से कुछ करे, विल कनाडा बी ओके विद इट? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए मेरे ख्याल से इसमें जो है स्पाई एजेंसी का सबसे बड़ा रोल करना चाहिए कि अपने जो इस टाइप से खड़े हो रहे हो उनके ऊपर एक्शन आप सीक्रेटिवली ले हो, मेरे हिसाब से तो यही है। पर पाकिस्तान का इसमें हाथ है, यहाँ पे जो खालिस्तान की बातें कर रहे हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व है, फंड आ रहा है पाकिस्तान से, और यही देख लो वैसे डूब रही है कंट्री, पर यहाँ पे वो अपना पूरा एक्टिव है अपनी कंट्री को सौंप, पाकिस्तान, वही तो कह रही हूँ कि पाकिस्तान जो है खुद तो डूब रही है पर अपने वहां पर मतलब की जगह में यही पे यही सब हो रहा। मतलब आप ऐसे मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि क्या रूट कॉज है, हम तो यही कह रहे हैं कि इनके इस न्यूज के हिसाब से वो न्यूज के हिसाब से पाकिस्तान का रूट कॉज है। और मैं ये कहूंगा कि अगर ये बात इतनी पब्लिक हो चुकी है, बच्चे बच्चे को पता है, तो स्पाई एजेंसी क्या कर रही है? करना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, और चुपचाप लो, बताने की भी जरूरत नहीं हमें। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।